एक चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों, हम किसी भी संख्या व्यंजक को कई तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम एक संख्या व्यंजक 8 लें तो हम अलग अलग संख्याओं का प्रयोग कर उसे अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। यदि हम योग संक्रिया का प्रयोग करें तो उसे 2 + 6 या 5 + 3 लिख सकते हैं। यदि हम घटाने की संक्रिया का प्रयोग करें तो 9 - 1 लिखा जा सकता है। गुणा के प्रयोग से 2 × 4 और भाग के प्रयोग से 16/2 लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम मिश्रित संक्रियाओं का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं 7 × 2 = 6 या 30/3 = 2। क्या इसी तरह से 5x को भी अलग अलग ढंग से व्यक्त कर सकते हैं? आइए देखते हैं। हम 5x को 2x + 3x लिख सकते हैं। हम इसे 7x - 2x लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10x/2 भी लिख सकते हैं। 5x के कुछ और भी रूप सोचकर लिखें। अरे देखो बच्चों, ये दो साथी क्या बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। नेहा, मैंने 5x के कई नए रूप बनाए हैं, जैसे 3x × 2x और 4x × x। नहीं राजू, यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि 3x × 2x तो 6x का वर्ग होता है और 4x × x तो 4x का वर्ग होता है। आपको क्या लगता है, कौन सही है? तो बच्चों, हमने यह देखा कि संख्याओं की तरह बीजीय व्यंजकों को अलग अलग संक्रियाओं द्वारा विभिन्न तरीकों से दर्शा सकते हैं। इसमें हमें व्यंजकों की संक्रियाओं के नियमों का ध्यान रखना होगा। करके देखें। अब आप भी अन्य बीजीय व्यंजक लेकर उन्हें अलग अलग तरीकों द्वारा दर्शाइए। एक चर का समीकरण, क्वेश्चन इन वन वेरिएबल। जीतू, मेरे जेब में 5x जैसे सिक्के हैं, क्या तुम बता सकते हो मेरे पास कितने पैसे हैं? कैसे बताऊं, सिक्के निकालो तो बता सकता हूँ। रिंकू, अगर तुम्हारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं तो तुम्हारे जेब में 5 रुपए हैं, और अगर 2 रुपए के सिक्के हैं तो 10 रुपए हैं, मतलब तुम्हारे पास 5x रुपए हैं। मेरे जेब में 25 रुपए हैं, क्या आप तुम बता सकते हो मेरे पास कितने पैसे हैं? अब यह आसान है, चूंकि 5x रुपए हैं तो 5x = 25। इसमें मैं x = 1, 2, 5, 10 रखकर देखूंगा। x के जिस मान के लिए दोनों ओर मान समान आएंगे वही तुम्हारे सिक्कों की कीमत होगी। तो बच्चों, आपने देखा कि गणितीय समीकरण हमारे दैनिक जीवन में कैसे यूज होता है। आइए हम भी दो संख्याएं सोचते हैं, जैसे 9 और 21। कोई भी और 10 से छोटी दो संख्याएं लेते हैं और चारों संक्रियाओं का उपयोग कर इनमें संबंध बनाते हैं। पहला, 9 × 3 = 21 मिलता है। इसे हम गणितीय रूप में लिखेंगे, 9 × 2 = 3 = 21। दूसरा, 9 × 3 = 6 = 21 मिलता है। इसे भी हम गणितीय रूप में लिखेंगे, 9 × 3 = 6 = 21। तीसरा, 21 में 7 का भाग देकर 6 जोड़ने पर 9 मिलता है। गणितीय रूप में 21/7 × 6 = 9। चौथा, 21 में से 3 घटाकर 2 का भाग देने पर 9 मिलेगा, अर्थात 21 × 3 / 2 = 9। इस प्रकार आप भी 9 व 21 के बीच में विभिन्न संक्रियाओं व संख्याओं को काम में लेकर समीकरण संबंध बनाने के लिए 5 और कथन बनाइए। यह तो स्पष्ट है कि यह किन्हीं भी दो संख्याओं के साथ किया जा सकता है। करके देखें। इनमें से प्रत्येक के लिए 3-3 संबंध बनाइए। पहला, 2 व 5 के लिए, दूसरा 11 व 25 के लिए और तीसरा 40 व 123 के लिए। अब
इन कथनों को देखें। पहला, राजू की आयु 9 वर्ष एवं उसकी माँ की आयु 35 वर्ष है। दूसरा, कक्षा 4 में 25 बच्चे एवं कक्षा 9 में 45 बच्चे हैं। तीसरा, रीमा के पास 10 रुपए एवं मीरा के पास 7 रुपए हैं। इनमें से प्रत्येक में हम कुछ संबंध ढूंढ सकते हैं, जैसे राजू की माँ और उसकी आयु का योग 44 वर्ष है। राजू की आयु धन माँ की आयु बराबर 44 वर्ष। कक्षा 9 में बच्चे ऋण कक्षा 4 में बच्चे बराबर 20। ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए कई संबंध बन सकते हैं। प्रत्येक के लिए आप भी 3-3 ऐसे संबंध बनाएं। चलो बच्चों, अब हम एक चर के समीकरण को हल करना सीखते हैं। अरे, इसके पहले जरा सुन ले, रमोला और मालिनी क्या बात कर रहे हैं। मालिनी, मैंने मन में एक संख्या सोची है जो 25 की दुगने से 5 कम है, बताओ वह संख्या क्या है। रमोला, यदि वह संख्या 25 की दुगुनी यानी 50, अब 50 में 5 कम यानी 50 ऋण 5 बराबर 45, तो तुमने जो संख्या सोची है वह 45 होगी। आइए एक उदाहरण देखें। 5 किसी संख्या से 10 कम है, तब उसका समीकरण x ऋण 10 बराबर 5 होगा, जबकि हमने यह माना कि वह संख्या x है। करके देखें। पहला, 4 किसी संख्या से 2 कम है, 8 और किसी संख्या का योग 12 है,